हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। हालेलुया। क्या बना के? चमकीला तीर। चमकीला तीर। क्या? चमकीला तीर। हालेलुया 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 हालेलुया। और आज वो चमकीला तीर जो बड़ा तीखा बड़ा तेज तीर है, आज परमेश्वर ने तरकश में से बार निकाल लिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको, आप कहें अपने आप को, परमेश्वर ने मुझको, अपने हाथ रखकर बोल सकते हैं, परमेश्वर ने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा, लेकिन आज बाहर निकाल लिया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं एक चमकीले तीर की तरह। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? ओ रब लाशी दा रखा बार है ना माथी बाबा बारासी दा बार रब बार दा बार रब। परमेश्वर इस वर्ष में आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं हर एक दुश्मन के विरोध में। हालेलुया। परमेश्वर आपको चमकीला तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अंधकार के राज्य को खत्म करने के लिए, अंधकार के राज्य को खत्म करने के लिए, अंधकार के राज्य को खत्म करने के लिए। परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं लोगों को छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं परमेश्वर के सेवा कार्यों के लिए। परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, आप धन की सेवा करें। परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप अपने खुद के घर से बीमारी को दूर कर सकें। परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आप असफलता को दूर कर सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओ रबला शिदा रखा बाबा रासी दबा नमा हिंदी बिरी री बिशिदा रसा बाबा राता रखा बारे नमा। देखिएगा लेकिन तीर चलाएगा कौन? तीर चलेगा कैसे? ओ रबला शिदा रखा बाबा रासी दबी निनी माथा बाबा रासी दबे रे बिशिदा बारे रबा। एक वचन पढ़िएगा पहले, भजन संहिता 127 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। स्पीड से भजन संहिता 127 अध्याय 3 और 4 वचन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जैसे वीर के हाथ में तीर, किसके हाथ में? किसके हाथ में? जैसे वीर के हाथ में तीर, वीर के हाथ में तीर, वीर के हाथ में क्या? तीर। वीर के हाथ में आप क्या हो? तीर। आप क्या हो? तीर। देखे ना, मैंने तो देखे हैं। हालेलुया। वीर के हाथ में तीर,
अब वीर कौन है? वीर कौन है? हालेलुया, वीर है हमारा परमेश्वर। ओ रब अल्लाह सीधा रखा बाबा रसीदा बारे रब, वीर है हमारा परमेश्वर। अब तीर, अब मान लो ये तीर है और तीर को कैसे जलाते हैं? ऐसे जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो कागज फाड़ फाड़ के ऐसे जहाज बनाकर ऐसे फेंकते थे, ऐसे नहीं चलाते इसको, कैसे चलाते हैं? उसके लिए एक चीज और होती है, क्या कहते से? कमान, धनुष, कमान, ठीक है। तो ऐसे करके वो कमान होती है, ऐसे करके तीर रखते हैं और ऐसे करके इसको, ये तीर रखा और यहां वो लगी होती है, ऐसे करके खींचते हैं, निशाना लगाया। निशाना कौन लगाता है? तीर। सुबह मैं हैप्पी को कहने वाला था कहीं ना कहीं से आप इंतजाम करके लेकर आओ तीर का, लेकिन सुबह दुकानें नहीं 3 बजे तक खुलनी थी। तो निशाना कौन लगाता है? तीर के वीर, वीर योद्धा, जो योद्धा होता है। निशाना किसने लगाना है? योद्धा ने। लेकिन आगे चलकर काम किसने करना है? तीर ने। और साथ में और क्या होगा? कमान। कमान कहते आप हिंदी में समझ रहे ना, कमान, धनुष, ऐसा जो होता है तीर वाला, तो क्या होता है? कमान। अब कमान कौन है? पवित्र आत्मा। कमान कौन है? पवित्र आत्मा। जिनको समझ लगला वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। कमान कौन है? पवित्र आत्मा है। तीर कौन है? तीर कौन है? आप हैं। पवित्र आत्मा कमान है, आपको रखा पवित्र आत्मा ने अपने हाथ में। परमेश्वर ने क्या किया? निशाना लगाया, ऊपर करना है, इधर करना है, इधर करना है, नीचे करना है, इधर करना है, इधर करना है, दूर भेजना है, नजदीक करना है। किसने निशाना लगाया? परमेश्वर ने। निशाने पर जाकर क्या लगा? तीर लगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वीर है वो तीर को इस्तेमाल करना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जो वीर है वो तीर को इस्तेमाल करना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और इस वर्ष की शुरुआत में आज जब हम इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता आप किसी बीमारियों के लिए आए हो सकता मामूली सी बात के लिए आप आए हो, हाँ जी मेरे पेट पे दर्द है, मेरे ये बीमारी है, मेरे ये दुख है, मेरा ये संकट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये रूंगा जूंगा है। मेरी मम्मी के साथ मैं जाता था दुकान पे, जब इतना सा नरमा लेकर जाते दुकान पर और साथ में मैं जाता और सब कुछ, जब नरमे का साब हो गया वहां से ले लिया जो कुछ लेना करना बाद, और मेरी मम्मी कहती चुंगा रूंगा दे इसको, चुंगा रूंगा दे दे, इतनी छोटी छोटी वो मीठी सी गोलियां होती थी, याद नहीं मुझे, संतरे की गोलियां, हाँ तो वो दे देते, उसके कोई पैसे नहीं लगते थे, वो चुंगा रूंगा था, कभी साथ नहीं लेके जाती थी तो गली में लिटने लग जाता था मिट्टी के अंदर ही, क्योंकि गलियों में मिट्टी होती थी उस समय, धूल होती थी, इतनी मिट्टी 6-6 इंच। वो मुफ्त में आपकी बीमारियों से चंगाई, मुफ्त में दुष्ट आत्मा से छुटकारा, मुफ्त में। हालेलुया, पापों की क्षमा मुफ्त में, स्वर्ग का राज्य मुफ्त में, अनंत जीवन मुफ्त में, क्योंकि इस सब के लिए किसी ने मूल्य दे दिया है क्रूस के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार, मुक्ति को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, वो मुफ्त में होती है।
आप कहें भी हम बड़े धर्म के काम करते इसलिए हमें मुक्ति मिलेगी, नहीं, पर यीशु मसीह के अनुग्रह से मुक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों से चंगाई रूंगा चुंगा मिल जाएगा आपको। आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मिल जाएगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक अंधकार की ताकत खत्म हो जाएगी, हर एक दुष्ट और शैतान की ताकत खत्म हो जाएगी। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस नए साल में आप नए होने वाले हैं, आपके लिए कुछ नया होने वाला है, आपके लिए कुछ नया होने वाला है। कमान कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको भेजेगा तीर को, वहां जाना है, यह करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, यहां तीर चलाना है, नहीं यहां इधर नहीं चलाना, इधर चलाना है, इधर नहीं चलाना है, ओ पीछे जाना है, ऐसा एक एक वचन पढ़ दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13:4 प्रेरितों के काम 13:4 अते वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर। हालेलुया, किसके भेजे हुए? तीर किसका भेजा हुआ? कमान का। तीर किसका भेजा हुआ? कमान का। कमान ने जो वीर है उसने निशाना लगाया, कमान ने धक्का दिया, वहां पहुंचा दिया। पवित्र आत्मा से भेजे हुए वहां गए और रबला शीदा भरा रखा। परमेश्वर के दासों के बारे में लिखा है, वो पवित्र आत्मा से भेजे हुए वहां पहुंच गए। 16 भी पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 16:6-7 वे फुर्गिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? मना किया, इधर नहीं जाना, यहाँ नहीं निशाना लगाना, यहाँ लगाना है। 6-7 उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु प्रभु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, इधर तीर नहीं चलना, इधर नहीं चलाना। हाँ, 6-7 वो हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आप कौन है? चमकीला तीर, तेज धार वाला तीर। हालेलुया, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस नए साल में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हां और आमीन कहते हैं उनके लिए होगा, जो हां और आमीन कहते हैं उनके लिए होगा। यानी कि परमेश्वर आपको कमान पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करना चाहते हैं एक तीर की तरह, ताकि दुश्मन शैतान के विरुद्ध आप खड़े हो सके। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन शैतान के विरुद्ध में आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो। हालेलुया, आज अभी आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये वर्ष देखिए, इस वर्ष मैंने आपको कहा प्रभु यीशु मसीह आपको धन संपत्ति की आशीष देंगे। इस वर्ष जिनके घर नहीं है अपने, उनको घर की आशीष देंगे। इस वर्ष जितने भी केस हैं आपके विरुद्ध में सब समाप्त हो जाएंगे वो। हालेलुया, इस वर्ष परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इस वर्ष परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं एक तीर की तरह,
शैतान के विरोध में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं एक तीर की तरह, ताकि अंधकार का राज्य खत्म हो जाए, अंधकार का राज्य खत्म हो जाए। वो आप लोग ही हैं जो जाकर कहते हैं, ऐ दुष्ट आत्मा इस घर से निकल जा। हमारे तक तो लोग बाद में आते हैं, पहले तो आप ही वहां जाते हैं। ऐ बीमारी निकल जा, निकलती है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कहेंगे मैं तो पढ़ा नहीं। तीर पड़ा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, या नहीं पड़ा, तीर कैसा भी है। ओ हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, अगर पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, क्योंकि तीर तो पवित्र आत्मा ने चलाना है। हालेलुया। तीर ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा से चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार का राज्य खत्म करने के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओ रबा ला शीदा रा खबर रबा, कितने लोगों के घरों में अंधकार छाया हुआ है। मैं उस दिन भी कह रहा था, क्रिसमस के दिन, कहीं आपको पछताना ना पड़े, हम भी आराम की जिंदगी जी सकते हैं। भी बस वहां चर्च है, इतनी सी बहुत है, और क्या भागदौड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन बाद में पछताते हम लोग भी, जब यहां शुरू किया कितना विरोध हुआ, हो रहा है, तो क्या जरूरत थी वह आराम से चर्च के अंदर और चर्च के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, सब लोग वहीं आते हैं, चमत्कार होते हैं, ब्लेसिंग है, खाओ पियो अंश करो और एसी चलाओ और बैठो गर्मी में। लेकिन बाद में हम लोग पछताते हैं। आप भी बाद में ना कहीं पछताना पड़े। याद रखिए, इस साल में परमेश्वर आपको अंधकार के राज्य के विरोध में खड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको तीर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए। और सिर्फ पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पस वही तीर नहीं थे, वहां कुछ औरतें भी थी जो धन से मदद करती थी प्रभु यीशु मसीह की। वचन में लिखा है कुछ औरतों के नाम भी दिए हैं, वो क्या करती थी, धन से मदद करती थी परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई में। इसलिए रोमियो में भी लिखा हुआ है, जो इस प्रकार की सेवकाई कर रहा है वो इसी में लगा रहे। ओ हालेलुया। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं धन की सेवकाई के लिए भी। परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तीर की तरह, कि आपके घर से बीमारी भी निकले, आप वो कारण बने आपके घर से बीमारी निकलने का। आप प्रार्थना करें, पर पवित्र आत्मा आपको तीर की तरह इस्तेमाल करेगा। आप दूसरों की बीमारियों को दूर करने वाले होंगे परमेश्वर मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा तीर चलाएगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तीर चलाएगा। रबाशी दरख बाबरासी दबर नमा। आप अपने घर से हर एक अंधकार को खत्म कर सकेंगे, अपने घर से नशे की आत्मा को दूर कर पाएंगे, अपने घर से हर एक रोग को खत्म करेंगे। और फिर और भी आप प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा बाहर निकलेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, बीमारियों से चंगाई मिलेगी। लोग जो असफलता में हैं, वो सफलता को पाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे, वो ऊंचे होंगे और उनके लिए स्वर्ग खुलेगा। उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक लिखा जाएगा। परमेश्वर कहेंगे जब स्वर्ग से देखेंगे तो कि हाँ, ये तीर जो है ना, ये सही चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग में बहुत आनंद होता है जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, एक व्यक्ति के पाप क्षमा होते हैं, एक व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तो एकदम से वहां खुशियां मनाई जा रही थी, ऐसे कह रहा हूं, तुरियां बजने लगी, ढोल बजने लगे, ठीक है, तुरियां बज रही हैं वहां पर।
परमेश्वर कहते हैं अब क्या हुआ, तो स्वर्गदूत कहते हैं आज अभी इस व्यक्ति ने क्या किया है, पर विश्व मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, इस व्यक्ति ने अनंत जीवन को पा लिया है, क्योंकि वहां लिखा है एक पापी के पश्चाताप करते समय क्या होगी, स्वर्ग में खुशियां होंगे। तो परमेश्वर कहते हैं अच्छा, तो तीर कौन था? ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते तीर कौन था, ये तीर कौन था? क्योंकि कोई तो उसके पास गया होगा, कहीं तीर तो चला है, तीर कौन था? वो कहते हैं वो तो राजेश है। परमेश्वर कहते अच्छा, परमेश्वर आशीष दे। थोड़ी देर बाद फिर ढोल बजने लगा, वहां बिगल बजने लगे। परमेश्वर कहते हैं अब क्या है? कहते अभी एक जने और क्या कर लिया है, पर विश्व मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, नाश होने से बच गया है। परमेश्वर कहते तीर कौन है? वो कहते राजेश है। फिर तीसरी बार फिर ढोल बजने लगा, बिगल बजने लगे। सरदूत कहते परमेश्वर, परमेश्वर कहते चुप, मुझे पता है एक जन ने और उधार पा लिया है। स्वर्गदूत कहते वो तीर, परमेश्वर कहते मुझे पता है वो राजेश है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर तीर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। याद रखिए, तीर अकेला काम नहीं कर सकता, तीर अकेला किसी भी काम का नहीं। परमेश्वर ने आपको तर्कश में रखा हुआ था, लेकिन आज इस नए साल में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वीर जो है वो कौन है? हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु परमेश्वर मसीह। हालेलुया। और कमान कौन है? पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी। परमेश्वर क्या करेंगे? आपको पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप कर खींचकर निशाने पे लगाएंगे। ओ हालेलुया। और जिस निशाने पे लगाने वाला परमेश्वर हो, वो कभी भी चूकता नहीं है। ओ हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे अकेला ही तीर उठे, तीर कहे मैं तो यहां लगूंगा, मैं तो यहां लगूंगा, तो वो फिर क्या करेगा? यहां इधर उधर थोड़ा बहुत खून ही निकालेगा और कुछ नहीं कर सकता, खराबी करेगा और कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा कमान के ऊपर रखना जरूरी है। पवित्र आत्मा जो कमान है वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे। हो रबाशी दारा खबर है, रबासी दबा रहे नामा हिंदी बिरी बिशी दबा लबा बरा दबा। लिखा है जैसे वीर के हाथ में तीर, आप वीर के हाथ में हैं। योद्धा वीर कौन? हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए जब वो कालेब 85 वर्ष का हो गया, 85 का, तो उसने कहा अभी भी मेरे अंदर बल है। ये जो जमीन मूसा ने मुझसे कहा था वो मुझे दो, मैं उसको अपने अधिकार में ले लूं। हालेलुया। चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आपको बोलना नहीं आता यिर्मयाह की तरह, चाहे आप मूसा की तरह हक लाते हैं, परमेश्वर आपके हाथों से चमत्कार करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको चमकीला तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ अकेला तीर नहीं, पवित्र आत्मा कमान की जरूरत है। और कमान है पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी। और चलाने वाला है परमेश्वर। खुद ही तीर उड़ा, मैं बता रहा था क्लास के अंदर, कागज का जहाज बनाकर किसी दूसरे लड़के के ऊपर ऐसे फेंकना होता था, वो हवा में ऐसे फेंकते वो उड़कर उधर चला जाता। तो अगर आपका अकेला तीर इधर ऐसे जाएगा तो किसी काम का नहीं है। कमान चाहिए और निशाना लगाने वाला चाहिए। सही निशाने पे परमेश्वर लगाएंगे, वीर लगाएगा, वो योद्धा लगाएगा। इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करने वाले हैं, बहुत ऊंचा करने वाले हैं। लेकिन
आपके विरुद्ध घृणा करने वाले भी उठेंगे। कोई सड़दा है ता सड़े सड़े, सड़ने वाले भी उठेंगे, सड़ने वाले भी उठेंगे, क्योंकि आपके घर में ब्लेसिंग आएगी, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में चंगाई आएगी, आपके घर में छुटकारा आएगा, आपके लिए सर खुलेगा। ओ रब्बा राशिदा रखा बाला बाबा रासा दबारे रब्बा ऋषि दबारे नमा। इसाक उसी वर्ष सौ गुना फल पाया, बहुत तन्नाड़ हो गया, उन्नति करता चला गया, आगे ऊंचा ही ऊंचा होता गया, लेकिन दुश्मन भी उसके विरुद्ध में खड़े होने लग गए। ओ हालेलुया हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं सब बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, जो भी चाहेंगे, जो भी आप प्रार्थना निवेदन लिखवा कर रहे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे हर एतवार के दिन हम करते हैं। जो भी चाहेंगे उसके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा। आज प्रभु भोज है, साल के पहले दिन प्रभु भोज, हर तरह से हम आपका ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन जो परमेश्वर आपसे चाह रहे हैं, एक तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको, परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको तीर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो रबा शीधा रखा बार रबा, इसलिए अपने आपको पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दीजिए।